नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। दोस्तों ये जो है आप देख सकते हैं पोर्चुला का प्लांट जो है इस पॉट में लगा हुआ है और इसमें जो है वाइट और पिंक दो कलर के फ्लावर ब्लूम हो रहे हैं। बट दोस्तों अभी आप इसमें क्या देख रहे हैं, फ्लावर का जो साइज है वह छोटा है। तो फ्लावर का साइज छोटा आपके पोर्चुला का प्लांट में आ रहा है, तो जो काम मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा वो आपको काम करना है। वो काम करने से फ्लावर का साइज़ जो है ऑटोमेटिकली ही इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा और जो बड का साइज है वो बड़ा बनेगा और बड ज़्यादा संख्या में बनेंगे। तो जैसे कि दोस्तों ये काफ़ी दिन पहले मैंने जो है ये कटिंग लगाई थी और अभी इसमें क्या है कि इसमें घास वगैरह जो है खरपतवार उगा हुआ है। तो सबसे पहले दोस्तों इस खरपतवार को हमने उखाड़ देना है, क्योंकि ये जो है दोस्तों खरपतवार जो रहता है इसकी रूट ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है हमारे किसी भी अन्य प्लांट के मुकाबले में। तो ये जो है ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स को इंटैक्ट करता है खरपतवार घास फूस, और जो है प्लांट को न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते हैं। तो जितना भी घास फूस खरपतवार वगैरह निकला हो पॉट में उसको आपने सबसे पहले उखाड़ देना है। मैंने सुबह पानी दिया था इसलिए इजीली उखड़ रहा है। तो उखाड़ते हैं, पहले आपको जो है पानी जरूर देना है ताकि मिट्टी गीली हो जाए और जो आसानी से खरपतवार उखड़ जाए। दोस्तों मेरे यहाँ पर जो टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है, बहुत ज़्यादा गर्म हवाएं चलती हैं, 45 के लगभग जो है टेम्परेचर बना हुआ है दिन के समय में। आपके यहाँ पर कितनी गर्मी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर हमने जो है दोस्तों खरपतवार उखाड़ दिया है। अभी दोस्तों इसके अलावा आप देख सकते हैं जितने भी प्लांट्स में फ्लावर्स आए हुए हैं सभी के सभी बहुत छोटे साइज के हैं। तो दोस्तों होता क्या है, जब हम पॉट में एक ही मिट्टी में जो है बार बार काफ़ी सारे प्लांट्स लगाते रहते हैं तो ऐसे में मिट्टी के अंदर जो है न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है। लेकिन कई बार क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स की कमी नहीं होती है, मिट्टी में हर तरह के हमने तत्व मिलाए होते हैं, खाद वगैरह डाली होती है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है फ्लावर का साइज इंक्रीज नहीं होता है। तो ऐसे में सिर्फ आपको क्या करना है कि रूट ग्रोथ के लिए आपको सिर्फ फर्टिलाइज़र मिट्टी में ऐड करना है। क्योंकि दोस्तों जब वाइट रूट बनेंगे, जब न्यू रूट ग्रोथ होगी, जड़ों के ज़्यादा विकास होगा तो जड़ें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पौधे तक जो है पोषक तत्व तो पहुंचा पाएंगी। मैंने इसमें सभी तरह के न्यूट्रिएंट्स जो हैं ऐड कर रखे थे पहले से ही, मिट्टी भी फ्रेश थी, नई मिट्टी थी, लेकिन उसके बावजूद भी जो क्या है फ्लावर का साइज छोटा आ रहा है। और जो केयर टिप्स होती है मोस्टली हमारे देसी पोर्चुला का प्लांट के लिए, फुल डे की सनलाइट में इसे प्लेस करना रहता है तो इससे जो इसकी ग्रोथ और फ्लावरिंग अच्छी होती है, फ्लावर का साइज इंक्रीज होता है। बट सब कुछ सही होने के बावजूद भी फ्लावर का साइज जो है काफ़ी छोटा चल रहा है। तो ऐसे में हमने क्या करना है, सिर्फ एक ही चीज़ का यूज करना है जिससे कि इसकी जो रूट है वह ग्रोथ ले सके, रूट की जो ग्रोथ हो सके मिट्टी में। तो ये आप देख रहे हैं, ये है दोस्तों मेरे पास बायो में ह्यूमिक एसिड। आपको जो है ऑर्गेनिक में ह्यूमिक एसिड हर पेस्टिसाइड शॉप पर, फर्टिलाइजर शॉप पर इजीली मिल जाएगा। ह्यूमिक एसिड क्या करता है, प्लांट की रूट ग्रोथ में हेल्प करता है, न्यूट्रिएंट्स को जो है प्लांट को इंटैक करने में हेल्प करता है। तो जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनको हेल्प इंटैक करने में जो है ये ह्यूमिक एसिड हेल्प करेगा। तो जब न्यूट्रिएंट्स को इंटैक प्लांट कर पाएगा रूट्स के थ्रू तो ऐसे में प्लांट के जो है फ्लावर साइज इंक्रीज होंगे और जो है बड्स ज़्यादा संख्या में बनेगी और प्लांट की ग्रोथ भी ज़्यादा अच्छी होगी। तो अभी हमने क्या करना है, इस पॉट में जो है इस ह्यूमिक एसिड को ऐड कर देना है पानी में मिक्स करके। तो मैं दोस्तों अभी जो हूँ ये फ्रेश पैकिंग ही लाया हूँ, अभी तक मैंने यूज़ नहीं की है क्योंकि मेरे काफ़ी सारे प्लांट्स की जो ग्रोथ है वो हो नहीं रही है सब कुछ मिट्टी में ऐड करने के बावजूद भी। तो ह्यूमिक एसिड ऐड करेंगे मिट्टी में तो इससे जो है क्या होगा कि प्लांट जो है ईजिली न्यूट्रंट्स को इंटैक कर पाएगा और जो है रूट्स की ग्रोथ होगी। तो हमें थोड़ी सी मात्रा में ह्यूमिक एसिड जो है इस तरह से ले लेना है और इसमें जो है पानी ऐड कर लेना है। यहाँ पर दोस्तों हमने जो है पानी में ह्यूमिक एसिड को जो है मिक्स कर लिया है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद हमने बस नॉर्मली इसे अपने पॉट में डाल देना है, हमने किसी भी तरह कोई फर्टिलाइजर नहीं डालना है, बस हमने जो है ह्यूमिक एसिड को ऐड कर दिया है, बस यही काफ़ी है।
उसके बाद आपको जो कुछ दिन वेट करना है और आप नॉर्मली तरीके से ही देखेंगे कि प्लांट में जो बड का साइज है वह बड़ा होना शुरू हो जाएगा, कलियों की संख्या बढ़ने लगेगी और फ्लावर का साइज फिर ऑटोमेटिकली ही इंक्रीज हो जाएगा। दोस्तों आपके लिए यदि वीडियो हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह गार्डनिंग रिलेटेड वीडियो देखने के लिए। और दोस्तों आपको प्लांट को जो फुल टू पार्सल सन कहीं पर भी प्लेस कर देना है, छायादार स्थान पर बिल्कुल भी प्लेस नहीं करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी गार्डनिंग। और दोस्तों अपडेट भी मैं आपके साथ जल्दी ही शेयर करूँगा।